जय श्री राम दोस्तों। धन प्राप्ति के उपाय। आज के समय में धन, पैसा, रुपया, सुख समृद्धि सभी व्यक्तियों को चाहिए, लेकिन व्यक्ति मेहनत करते हैं पैसा नहीं मिलता, या जितनी मेहनत करते हैं उतना पैसा नहीं मिलता। पैसा आता है लेकिन आने से पहले जाने का रास्ता देख लेता है। पैसा तो कमाते हैं लेकिन पैसा खर्च उससे ज़्यादा हो जाता है जितना कमाते हैं। हम लोग कमाते हैं एक रुपया, खर्चा हो जाता है 1.5 रुपया। अटन्नी किसी से उधार लेनी पड़ती है, उधार वाले भी पीछे पड़े हुए हैं, क्या करें। तो दोस्तों, हम आपको बताएंगे धन प्राप्ति के ऐसे 2 आसान उपाय जिन्हें करने से पैसा चारों ओर से आपके पास आने लगेगा। जी हाँ दोस्तों, ऐसे सरल उपाय जो आसानी से किए जा सकते हैं और उन्हें करते ही आपके पास पैसा चारों तरफ से आने लगेगा। आपके धन के मार्ग खुल जाएंगे, लक्ष्मी जी आपके घर में बास करेंगे। हेलो दोस्तों, मैं DRX संतोष सिंह अपने YouTube चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपने हमारे चैनल को लाइक नहीं किया है तो कृपया इसे लाइक कर लीजिए। हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखिए। दोस्तों, कौन से हैं वो 2 सरल उपाय जिन्हें करने मात्र से धन आगमन शुरू हो जाएगा, पैसे की बर्बादी रुक जाएगी और धन के नए नए मार्ग खुल जाएंगे। तो दोस्तों, बिना देर किए हुए हम चलते हैं उन मार्गों की तरफ, उन 2 उपायों की तरफ जिन्हें करने से धन प्राप्त होता है। नंबर 1, शंख। दोस्तों, विष्णु पुराण में भी वर्णित है कि शंख को लक्ष्मी नारायण का रूप माना गया है। शंख लक्ष्मी जी को भी पसंद है और नारायण को भी प्रिय है, साथ ही गणेश जी को भी प्रिय है। और गणेश जी तो रिद्धि सिद्धि के दाता हैं, शुभ लाभ के दाता हैं। अगर आपका व्यापार नहीं चल रहा है, आपके घर में समस्याएं हैं, आप परेशान हैं, पैसा टिकता नहीं, पैसा आ नहीं रहा, गरीबी जमी हुई है, अमीर होने के सपने तो देखते हैं लेकिन अमीर नहीं हो पाते, गरीबी जा ही नहीं रही, कर्जा चढ़ा हुआ है, क्या करें, तो आप अपने घर में एक गणेश शंख लेकर आए। जी हाँ दोस्तों, गणेश शंख। यह शंख भी आम शंखों के जैसा होता है, आप दुकानदार से पूछिएगा, वह आपको बता देगा कि गणेश शंख कौन सा है। या आप, आजकल इंटरनेट का जमाना है, आप गूगल पे डालेंगे गणेश शंख तो वहाँ भी दिख जाएगा। आप गणेश शंख को अपने घर पर लेकर आए, घर लाने के बाद उसे पूजा के मंदिर में, जहाँ आप पूजा करते हैं, जो अलमारी, जो आला, जो मंदिर जो आपके घर में है, वहाँ उसे स्थापित करें। उस गणेश शंख को हल्दी से, कुमकुम से उसका तिलक करें, उसके अंदर सफ़ेद चावल भर दें, खाली नहीं रखना है, सफ़ेद चावल उसके अंदर भर दें। उसके बाद उसका हल्दी और कुमकुम से तिलक करें, धूप दें, दीप दें, नैवेद्य चढ़ाएं और हाथ जोड़कर माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए हाथ जोड़कर उस शंख से विनती करें कि प्रभु हमारे कष्ट हर लीजिए, हमारी गरीबी दूर कर दीजिए और धनागमन के हमारे रास्ते खोल दीजिए। दोस्तों, यकीन जानिए, यह विष्णु पुराण में वर्णित है कि शंख से आप जब विनती करके उसे घर में स्थापित करते हैं तो आपकी आय दिनों दिन बढ़ने लगती है, आपके सपने पूरे होने लगेंगे, धन की समस्या नहीं रहेगी, पैसा चारों ओर से आपके पास आएगा, आपके धन के मार्ग खुल जाएंगे, आपके बिगड़े हुए काम बनने लगेंगे और जो नया काम भी अगर आप शुरू करते हैं तो उसमें सफल होंगे, दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करेंगे, लाभ ही लाभ प्राप्त होगा। अर्थात आपके घर में धन का आगमन शुरू हो जाएगा जो दिन प्रतिदिन बढ़ता जाएगा। यह तो था 1 उपाय। दूसरा उपाय, सीपियां। जी हाँ दोस्तों, वही सीपियां जो समुद्र के किनारे पड़ी रहती हैं,
क्या करना है उन सीपियों का, उन सीपियों से तो आभूषण भी बनाए जाते हैं, उन सीपियों से खेलते भी हैं बच्चे, तो उन सीपियों को आपको लेकर आना है। याद रखिए, नदी में से निकली हुई सीपियां नहीं, समुद्र वाली सीपियां, वे सीपियां जो समुद्र में से निकलती हैं। अर्थात जब कभी आप ऐसी जगह जहाँ जहाँ समुद्र है तो वहाँ से वो सीपियाँ उठा लाएँ। सीपियाँ तो पड़ी रहती हैं समुद्र के बीच पे, रेत में पड़ी रहती हैं, वहाँ से आप ले आएँ, अथवा बाज़ार में समुद्र वाली सीपियाँ बिकती हैं, वहाँ से दो तीन सीपियाँ, चार सीपियाँ या एक सीपी भी आप अगर ले लेंगे तो वह भी काम करेगी। ज़्यादा महंगी नहीं आती, वो सस्ती आती है। उस सीपी को आप लाकर अपने घर में कामिका सिंदूर में, कामिका सिंदूर आपको पंसारी की दुकान पे मिल जाएगा, तो कामिका सिंदूर में उसे लपेट कर, यानी सीपी को कामिका सिंदूर से पूरा ढक दीजिए और उसे उठाकर चांदी की एक डिब्बी में रख लीजिए। चांदी की डिब्बी में रखने के बाद, कामिका सिंदूर से उसे ढकने के बाद, पूजा के मंदिर में आप अपने घर की जहाँ आप पूजा करते हैं वहाँ रख दीजिए और नित्य उसे धूप दिखाइए। सीपी को, सीपियाँ जो होती हैं दोस्तों, वे माता लक्ष्मी को अति प्रिय होती हैं, और उसमें भी अगर वो सिंदूर में ढकी हुई हों और चांदी की डिब्बी में रखी हों तो समझ लीजिए कि माता लक्ष्मी आपके घर में आएंगी ही आएंगी, और जहाँ लक्ष्मी का वास होता है वहाँ दरिद्रता नहीं रहती, आपकी घर की दरिद्रता बाहर हो जाएगी, धनागमन शुरू हो जाएगा, आपके सारे काम बनने लगेंगे। धन प्राप्ति का यह महा उपाय माना जाता है। जिसके यहाँ इस प्रकार सीपी को रखा जाता है वह फिर कभी भी गरीबी का मुंह नहीं देखता। दोस्तों इन दो उपायों को, इन दो उपायों में से अगर आप किसी भी एक उपाय को करते हैं तो आपके धन के मार्ग खुल जाएंगे, आपकी गरीबी हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। तो दोस्तों इन दो उपायों में से किसी भी एक उपाय को कीजिए और अपनी किस्मत को बदल लीजिए, अपने भाग्य को प्रबल कर लीजिए, अपनी किस्मत को चमका लीजिए, क्योंकि अब आपके घर धन आगमन शुरू होने वाला है। दोस्तों अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट में अपने क्वेश्चंस डालिए और जय श्री राम अवश्य लिखिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय श्री राम।